Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्याय नंबर दो में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोतों की कहाँ से हमने ये सारा रेफरेंस लिया है तो सबसे पहले हमने लिया है ब्रिस्को डीआर शुलर एसआर और क्लार्क्स गर्ल 2009 अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए नियति और व्यवहार एनवाई वाई से दूसरी किताब है कैस्कियो डब्ल्यू एफ दो मानव संसाधन का प्रबंधन उत्पादनकर्ता कार्य जीवन की गुणवत्ता मुनाफा नई दिल्ली टाटा मैग्रो हिल से इसी क्रम में हमने गोमेज़ मेजिया एल आर बाल्किन डी बी एंड कार्डी एल आर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स न्यू डेली पी एच आई लिमिटेड से लिया है और चौथी किताब है हमारी पांडे एस एंड बसक एस 2012 हज़ार बारह मानव संसाधन प्रबंधन पाठ और मामले नई दिल्ली पियर्सन से तो आज हम इस व्याख्यान में बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जिसको कि हम मानव संसाधन विकास के रूप में जानते हैं और इस विषय में हम चर्चा करेंगे एच का उपप्रभव जिसे हम इमरजेंस ऑफ एच जानते हैं महत्वपूर्ण मानव संसाधन विकास की भूमिकाएं और एच के लिए नई चुनौतियाँ तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास क्यों क्यों हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जैसा कि हमने व्याख्यान ए में बात करी थी मानव संसाधन प्रबंधन की आज हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन विकास की तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी महत्वपूर्णता क्या है क्या ज़रूरत है मानव संसाधन विकास की तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है लोगों की वृद्धि और विकास की चिंता मानव संसाधन विकास इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे संस्थान में जो कर्मचारी कार्य करते हैं जो एच लोग वर्क कर रहे हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट की आज अगर हमारे कर्मचारी ग्रो और डेवलप नहीं करेंगे अगर उनका विकास नहीं होगा तो संस्थान का विकास कैसे होगा दूसरा हम इसमें बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल नॉलेज बदलते समय में संगनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल आधार विकसित कराना आज का समय जो है वो हर दिन प्रतिदिन बदलाव ला रहा है तो इस बदलते समय में कैसे हम अपने आप को उन स्किल्स को उन सारे कॉम्पिटेंसीज को हम डेवलप करेंगे उस विषय में हमारे बारे में मानव संसाधन विकास तैयार है मानव संसाधन विकास की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये पहचान करता है एच आर डी को डिज़ाइन करना और विफिन करना ताकि वो पता कर सके कि, कि नीड और डिज़ाइन क्या हैं एच आर डी इंटरवेंशंस में क्या ज़रूरतें हैं और किस तरीके से हम उस ज़रूरतों को पूरा करेंगे उसके विषय में हम बात करते हैं एच आर डी इंटरवेंशंस में इसी के आगे हम चलते बात करेंगे कि कैसे एक एक, एक भूमिका निभाता है ये मानव संसाधन विकास लक्ष्य और रणनीति व्यवसायिक लक्ष्यों से जोड़ना जो हमारे संस्थान के डेवलपमेंट के गोल्स हैं और जो बिजनेस के गोल हैं उन्हें आपस में जोड़ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्य है सलाह कोचिंग और परामर्श की भूमिका निभाना मानव संसाधन विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये कार्य करता है एक मेंटर का एक कोचर का एक काउंसलर का जितने भी कर्मचारी हैं उनको किस तरह से विकास की आवश्यकता है कैसे वो आगे अपनी ग्रोथ को अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे उसके लिए ये एक परामर्श एक कोचिंग और एक सलाहकार के रूप में सामने आता है रोल ऑफ एच आर डी इन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एच आर डी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे संस्थान हमारे संगठन पे लेवल पे जब हमें कार्य करना है उसके बारे में हमें जानकारी करनी है तो उसका जो हमें संरक्षण करता है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा होता है एचआरडी का पर्पस क्या है आइए बात करते हैं एच के पर्पस के बारे में एच के पर्पस को समझाया है हमें हेम्बलिन और स्ट्रेटवर्ड ने 2011 में हैम्ब्लिन और स्ट्रेटमर्ड ने चार पर्पसेस बताए जिनको वो कोर ऑफ एच भी कहते हैं उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा व्यक्तिगत और समूह प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए आप इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार से कार्य होता है एक इंडिविजुअल लेवल पे एक ग्रुप लेवल पे तो जब हम अपने लेवल पे बात कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल uh, लेवल पे बात कर रहे हैं तो कैसे हम उसमें आगे आएंगे कैसे हम ग्रुप में टीम में मिल कार्य करेंगे उसमें इफेक्टिवनेस को बढ़ाना अपनी प्रभावशीलता में सुधार लाना हम अपने कार्य को और अच्छे प्रकार से कर सकें वो बहुत ज़रूरी है ऐसा हेमलिन और स्ट्रिटपर्ट ने कहा दूसरा वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता के साथ साथ प्रदर्शन का सही होना बहुत ज़रूरी है अगर प्रभावशीलता के साथ प्रदर्शन का प्रदर्शन में सुधार नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तीसरा वो कहते हैं हमारा ज्ञान कौशल और दृष्टाओं को हमारी जो नॉलेज है हमारी स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस हैं उनमें विकसित होना अगर हम प्रतिदिन अपनी नॉलेज में अपने स्किल्स में अपनी कॉम्पिटेंसीज़ में सुधार लाते हैं उसमें बदलाव लाते हैं उसमें ग्रोथ लाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इस लायक और इस क्षमता में आगे बढ़ाते हैं कि हम इस कार्य को अच्छे से परिपूर्ण कर सकें चौथा बात करते हैं मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इसलिए होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक इंसान के पोटेंशियल बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रेजेंट में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन उनकी जो क्षमताएं हैं उनको लोग नहीं पहचान पाते उन क्षमताओं को उन कैपेबिलिटीज़ को उनके पोटेंशियल को आगे लाने की जिम्मेदारी या उसको आगे निखारने की जिम्मेदारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है अस अंडरस्टैंड मानव संसाधन विकास का जो कंसेप्ट है उसको कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पर डेफिनेशंस की बात करी है जैसे 1970 में इस शब्द की यू नो you know, रचनात हुई कॉइन किया गया ये टर्म लिनाडो नेडलिन ने ये लेकर आए इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स संगठन के मिशन दृष्टि मूल्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाले संगठन में लोगों की मानव संसाधन प्रतिभाओं और ऊर्जा जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके मिशन विशन वैल्यूज़ और गोल्स को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया क्योंकि किसी भी संस्थान का एक उद्देश्य क्या है वो क्या गोल अचीव करना चाहता है वो किस ऊंचाइयों तक जाना चाहता है और उस ऊंचाइयों में ले जाने के लिए केवल एक कर्मचारी का ही बहुत महत्वपूर्ण रो, रोल रहता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है तो उस रोल को कैसे हम और बेहतर करेंगे उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ बात करते हैं आगे इसी में हम कह रहे हैं कि संपूर्ण व्यक्ति शरीर मन और आत्मा से व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण विकास के अनुभव से सक्रिय सीखने की प्रक्रिया का विकास डेवलपमेंट क्या प्रोसेस है डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान का पूरा दिमाग उसकी बॉडी उसकी स्पिरिट सारी चीज़ें इन्वॉल्ड हैं जब तक वो पूरी तरीके से प्रपूर्ण होकर उस चीज़ को नहीं सीखना चाहेगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा एच आर डी इज़ बेसिकली द इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड करियर डेवलपमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस तो जब हम संश्रेष्ठ रूप में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास एक ऐसी जिम्मेदारी है जो एक कर्मचारी को अपने निजी स्तर पर अपने ग्रुप पे और ऑर्गेनाइजेशन संस्थानिक स्तर पर उसकी क्षमताओं को उसके प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने की रचनात्मक क्रिया है एचआरडी की कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसा सबसे पहली जो डेफिनेशन है वॉटकिन की है वॉटकिन कहते हैं मानव संसाधन विकास व्यक्ति समूह और संगठनात्मक स्तर पर दीर्घकालीन कार्य संबंधी सीखने की क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे जो व्यक्ति हैं हमारा जो समूह है संगठनात्मक स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, लॉन्ग टर्म लर्निंग कैपेसिटीज़ को ये सीख रहे हैं दूसरी डेफिनेशन जो 2007 में दी गई है उसमें कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोगों की क्षमताओं को बढ़ाते हैं उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं और उन क्षमताओं को उन पोटेंशियल्स को बढ़ाने से हमारी संस्थान की ग्रोथ होती है हमारी संस्थान ज़्यादा सक्सेसफुल बनती है तीसरी डेफिनेशन वर्नर और दिस मोने की है जो 2007 में दी गई वो कहते हैं अपने सदस्यों को वर्तमान और भविष्य की नौकरी की मांगों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है देखिए आज का जो समय है हम जानते हैं वो हर दिन प्रतिदिन बदलाव की ओर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आज हम इस लायक हैं आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हो रहा है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं प्रतिदिन यही चर्चा चल रही है कि जेट जेट जीपीटी आ गया है कितने लोगों की नौकरी जाएगी किस तरह से रेवोल्यूशन जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सारे बदलावों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने आप को आज से ही तैयार नहीं करेंगे अपने आप को इस योग्य नहीं बनाएंगे अपने आप को अपना विकास नहीं करेंगे तो शायद हम आने वाली नौकरियों को या आने वाले बदलाव को हम टेकअप नहीं कर पाएंगे तो मानव संसाधन विकास का यही एक प्रवीण रूप है जिसमें कि वो ये बात करता है कि कैसे आप आज की अपनी नौकरियों को और आने वाले समय में जो आप नौकरियां करना चाहते हैं उसमें आप अपने आप को तैयार कर सकें इस लायक बन सकें कि आप उन सारी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएं मीट दी करेंट एंड फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है एचआरडी के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो एच का कंसेप्ट हमें बताता है कि यहाँ पर हम सिस्टमैटिक और प्लान्ड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने संस्थान में विकास की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि व्यस्तित और नियोजित गतिविधियाँ कैसी हैं हमें उन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक uh, और प्लान्ड वे में चलना होगा ऐसा नहीं हमने कभी भी सोचा और किसी भी तरह से किसी भी uh, दिशा में हमने विकास करना शुरू कर दिया विकास करने के लिए आपको एक तैयारी करनी होगी एक एक प्लान्ड वे में आपको चलना पड़ेगा जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को आगे प्रोसीड करेंगे नेसेसरी स्किल्स टू पीपल लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करना एचआरडी डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये कंसर्न है कि लोगों को आवश्यक कौशल प्रोवाइड करना उनको वो ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करना जो उन्हें आज की और उनके फ्यूचर के डॉब रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में मदद करेगी लोगों की वर्तमान और भविष्य की नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करना जैसा कि हमने बात की अभी आज ही की नहीं केवल आज उन्हें नौकरी करने लायक ना बना के उनको भविष्य के लिए भी तैयार करना उनके फ्यूचर के लिए भी उनको रेडी रखने की जो कंसर्न है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूरी तरह से निभाता है और इसी में हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल ठीक है मानव संसाधन विकास लोगों की क्षमताओं को उनके आ, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने से लेकर है जिसमें वो ना केवल लोगों बल्कि समूहों और संगठन की मिल क्षमताओं को बढ़ोतरी करने में मदद करता है इसी में हम आगे बात कर रहे हैं एच आर डी कंसर्न में एक समूह के रूप में मानव संसाधन विकास की वृद्धि और विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एच आर डी एज अ फंक्शन यही उसका एक महत्वपूर्ण रोल है दूसरा इसमें अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम जिसमें हम उद्योग संगठन द्वारा शिक्षित कार्य कार्यक्रम जिसमें लोग जाके सीखते हैं आप बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं बहुत सारे जो पढ़ाइयाँ हैं उसमें भी हम बच्चों को अप्रेंटाइशिप प्रोग्राम कराते हैं जिसमें कि वो जाके उन नौकरियों पर सीखें कि आज की संस्थानों में आज के व्यवसायों में क्या चीज़ें नई हैं किन चीज़ों के स्तर पे उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने हैं और अपने आप को ग्रो करना है इसी के आगे ज्ञान और कौशल में सुधार के लिए व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना मानव संसाधन विकास का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं जो भी बदलाव आ रहे हैं ताकि लोगों की जो जानकारियां हैं उनकी जो स्किल्स हैं उनकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी हो सके और यही नहीं वो फैक्ट्री रन ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर इट्स एम्प्लॉ अपने लोगों के लिए इस तरीके के कार्य कर रहे हैं जहाँ कर्मचारियों के लिए कारखाने द्वारा संचालित प्रशिक्षण स्कूल खोले गए हैं जहाँ लोग जाएं और जाके सीखें अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं अपने प्रेजेंट अपने फ्यूचर जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकें मानव संसाधन के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर हम फंक्शन के रूप में जानें उसके कार्य के रूप में जानने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कुशल अकुशल लोगों का प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास जो ट्रेंड और जो अनस्किल्ड लोग हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की ट्रेनिंग देना उसका फंक्शन है उसका कार्य क्या है जो लोग जानते हैं इस चीज़ को जो इसमें प्रतिपूर्ण है स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का इवोल्यूशन मानव संबंध आंदोलन का विकास मानव संबंध आंदोलन का विकास इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग इस मूवमेंट के तहत आगे बढ़ें और बेटर रिलेशंस निभा सकें एक समारोह और पेशे के रूप में प्रशिक्षण ट्रेनिंग को एक कार्य के रूप में आगे लिया जाए एक प्रोफेशन के रूप में लाया जाए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज अ प्रोफेशन आप बहुत हद तक एक आ, किसी भी व्यवसाय में किसी भी संस्थान में आप देखेंगे कि किस तरीके से मानव संसाधन विकास एक प्रोफेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है लोग किस तरह से उसमें नौकरियां करते हैं और मदद करते हैं कर्मचारियों की कि वो इस इसमें अपने आप को आगे ग्रो कर सकें एचआरडी की अवधारण का विकास मतलब डेवलपमेंट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसका कार्य है इसी में आगे हम बात करेंगे एमरजेंस ऑफ एच आर डी एच आर डी का उपद्रव क्या है इसमें आप समझिए कि एम्प्लॉ नीड मूविंग बियॉन्ड द क्लासरूम एक कर्मचारी को हम केवल एक शिक्षा के रूप में एक कक्षा में नहीं हम बढ़ा सकते कर्मचारी को कक्षा से आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपने जो सिखा दिया केवल उतना ही काफ़ी नहीं है आज के जीवन में अगर हमें अपने आप को आगे ले जाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना है तो बहुत ज़्यादा है कि हम बियॉन्ड दी क्लासरूम आगे बढ़ के कुछ नया निकल के सीखें जितना है उतना ही नहीं उससे आगे सोचें फ्यूचर की चिंता करें जिम्मेदारियों को देखें इसी से हम आगे काम कर पाएंगे संगठन द्वारा अपेक्षित कर्मचारी ज्ञान और कौशल आधार का मिलान करना आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके जो कर्मचारी हैं उनका ज्ञान उनकी जो स्किल्स हैं क्या वो नौकरियों के हिसाब से हैं मिलान करना अगर उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं कोई चीज़ कमी है तो उसको पूरा करना उस गैप को फिल करने की जिम्मेदारी है इसीलिए हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की करियर विकास और संगठन विकास करियर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये ऐसे शब्द हैं जो हमें ये बताते हैं कि डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए उसका करियर उसके कैरियर में विकास होना कि वो जो आगे करेगा कैसे उसमें वो डेवलपमेंट हो कैसे उसका प्रमोशन हो कैसे उसकी ग्रोथ हो और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है ये दोनों ही चीज़ें बड़ी ही इंटर रिलेटेड हैं आप उसमें दोनों का जो जुड़ाव है वो इसी तरीके से है कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकता अगर ऑर्गेनाइजेशन का या संस्थान का विकास ना हो और संस्थान का विकास हो और साथ में करियर डेवलपमेंट ना हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो ज़रूरी है कि साथ में हम दोनों को लेके चलें मानव संसाधन विकास के मूल विश्वास क्या हैं किस आधार पे किस बुनियादों पे हम इसको आगे पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं संगठन अपने लक्ष्य को स्थापित करने और प्राप्त करने के लिए मानव विशेषज्ञताओं पर भरोसा करते हैं वो ये जानते हैं कि ह्यूमन एक्सपर्टाइज कैसे इस्टेब्लिश करना है कैसे हम किसी इंडिविजुअल को ये विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं समझते हैं और अपनी नॉलेज को स्किल्स को बढ़ाते हैं तो ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप ही के ग्रोथ के लिए आपके करियर प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट होगा तो वो रिलाई करते हैं ह्यूमन एक्सपर्टाइज़ पे कि लोगों को इस तरीके से हम ढाल सकते हैं आगे ले जा सकते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें जो भी उनके लक्ष्य हैं उनको वो प्राप्त कर सकें ह्यूमन एक्सपर्टाइज डेवलप्ड एंड मैगजिमाइज थ्रू एच आर डी प्रोसेस एंड अप्लाइड बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन्वॉल्व तो मानव संसाधन मानव विशेषज्ञ और एच प्रक्रिया और संगठन और इसमें शामिल व्यक्तियों के अनुप्रयुक्त लाभों के माध्यम से विकसित और अधिकतम किया जाता है वो ये जानते हैं कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें और मैक्सिमाइज करें एच द्वारा ताकि वो अपने प्रोसेसेस को और अपने बेनिफिट्स को जोड़ सकें इसी में आगे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स आर एडवोकेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप वर्क प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी राइट तो इसमें हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन विकास कैसे वो एक पेशेवर व्यक्ति समूह कार्य प्रक्रिया और संगठन में अखंडता के हिमायती हैं वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉज़ हैं चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हो चाहे ग्रुप लेवल पे बात कर रहे हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हैं वो ग्रो करें आगे डेवलप करें जितना ज़्यादा वो ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा ही संस्थान को और उनको फ़ायदा होगा अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं हमने बात की कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स विकास होना चाहिए लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ते हैं बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो आज के विषय में हम ये देखेंगे कि क्या वो ऐसी चुनौतियाँ हैं जो कहीं हमें दिक्कत देती हैं मानव संसाधन विकास में सबसे पहले इसमें है कार्यबल जनसंख्याई परिवर्तन चेंजिंग वर्क फोर्स डेमोग्राफिक हम सभी जानते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की बात चल रही है ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली वर्क फोर्स डेमोग्राफिक में बहुत बहुत अंतर है तो जब ये अंतर की हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब संस्थान में काम करते हैं तो किस लेवल पे उनको डेवलप किया जाए किस तरह की किस स्किल्स और नॉलेज उनको प्रोवाइड किया जाए कैसे उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्केड्यूल किया जाए उसमें एक बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हम सब क्या कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिंग इन दी ग्लोबल इकोनमी जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है अब हमारी जो कंपटीशन uh, है वो नेशनल लेवल पे नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन पे हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो डिस्कशन है अब हमें अपने जो नॉलेज अपनी स्किल्स को जो हमें बढ़ोतरी करनी है जो हमें बढ़ावा देना है वो केवल एक एक देश के लेवल पे नहीं करना विश्व के लेवल पे हमें तैयार करना है अपने आप को क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एलिमिनेटिंग दी स्किल गैप इसको दिक्कत आती है ये चैलेंजेस आते हैं कि कैसे ये इस गैप को एलिमिनेट करें रिमूव करें हटाएं वहाँ से स्किल गैप को ख़त्म करने की चुनौती इनके सामने है उसके आगे आजीवन सीखने की आवश्यकता लाइफ इज एन एंडलेस लर्निंग जर्नी राइट सो वॉट वी से इन इट इज हमें जीवन भर सीखना है हमें जीवन भर अपने आप को तैयार करना है क्योंकि सीखने की या लर्निंग की कहीं कोई अंत नहीं है तो नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपने आज ये सीख लिया कल कुछ और नया आएगा परसों कुछ और नया आएगा तो हमें हर दिन लगातार अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि हम कुछ नया करते चलें नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को सीखने की आवश्यकता है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको समझने की हमें आवश्यकता है आइए बात करते हैं एच और एच की क्योंकि व्याख्यान एक में हमने एच के बारे में चर्चा की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कई बार बच्चे इसमें अंतर नहीं कर पाते उन्हें लगता है कि एक ही चीज़ है लेकिन ऐसा नहीं है एच और एच दोनों ही अलग अलग यू नो टॉपिक्स हैं और अगर हम समराइज़ uh, फॉर्म में कहें तो एच जो है वो एच का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन एक वाइडर स्कोप से कार्य करता है जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसका ही एक हिस्सा है जिसमें हम केवल कर्मचारियों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कर्मचारियों की ग्रोथ की बात कर रहे हैं वेयर एज़ ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन में या मैनेजमेंट में हम उनके हर चीज़ की बात करते हैं स्टाफिंग से लेके जब एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसके रिटेंशन उसके डेवलपमेंट उसके वेलफेयर उसकी सेफ्टी उसकी सिक्योरिटी उन सभी के बारे में ध्यान रखता है ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन सबसे पहले हम किस में ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन में कह रहे हैं संगठन में काम करने वाले लोगों के प्रबंधन से संबंधित ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है जो लोग कार्य करते हैं किसी भी संस्थान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन है जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रदर्शन और व्यवहार में सुधार के लिए है ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण में विकास से संबंधित के लिए है तो जैसा मैंने कहा कि एच आर डी एच आर एम का ही हिस्सा है तो ये केवल एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करता है कि कैसे हम इम्प्लॉयिज़ की हम कैसे कर्मचारियों की नॉलेज स्किल्स को बढ़ाएं। दूसरा हम कह रहे हैं मैनेजमेंट फंक्शन इनकम पासिस मैनेज मैनी फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है प्रबंधन जो है उसमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना केवल एक विकास का बल्कि जितने भी और कार्य हैं कर्मचारियों से रिलेटेड उसको हम उसमें पूरा करते हैं जबकि एच आर डी इज़ अ सबसेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक है उसी का एक पार्ट है उसी का एक हिस्सा है जिसमें कि हम केवल विकास की बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है जिसमें कि हम मानव संसाधन से रिलेटेड या कर्मचारी से रिलेटेड जो भी कोई विषय है उस पर हम एक्शन लेते हैं जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्योंकि हम उसे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये कैसा फंक्शन हो गया एक प्रोएक्टिव जिसको हम सक्रिय का नाम देते हैं ये पहले से ही चिंता कर रहा है पहले से ही लोगों को तैयार कर रहा है कि आने वाली समय में आने वाली जरूरतों में वो अपने आप को किस तरीके से इस लायक पूरा कर सके इसी में आगे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन बेहतर प्रदर्शन के लिए लोगों का प्रभावी उपयोग करता है वो चाहता है कि लोगों की बेटर परफॉर्मेंसेस हों उनकी जो क्षमताएं हैं वो आगे आए बल्कि ह्यूमन रिसोर्स विकास बात करता है लोगों की क्षमताओं का विकास करना कैसे उनके डेवलपमेंट को हम आगे ले जाएं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ठीक तो है नियमित और प्रशासनिक है जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक क्रिएटिव और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्रिएटिव मीन्स इसमें कुछ नया करना है हमें हमें लोगों से कुछ नया या हर दिन कुछ नया सीखना है और सीखते रहना है इसीलिए लिए कंटिन्यूस लर्निंग है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है वो लोगों की चिंता करता है इट इज़ कंसर्न विद द पीपल वेयर एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द पीपल इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द ग्रुप समूह और आपके संग, संगठन के विकास से संबंधित है तो ये तीनों पे फोकस करता है कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे लोग समूह और खुद ऑर्गेनाइजेशन संस्थान का विकास हो तो ये एक अंतर है एच और एच में ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन और ह्यूमन रिसोर्स विकास में आगे बढ़ते हैं एच के फंक्शन और कार्य को जानने की कोशिश करते हैं एच के जो कार्य हैं वो हमने अलग अलग रूप से बांटे हैं जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग का देखिए एच सिंपल सी बात है जो हमें समझ में आई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन का विकास तो विकास कैसे होगा ट्रेनिंग से उनको हम क्या देंगे उनको हम प्रशिक्षण देंगे जिसमें वो अल्पवादी के लिए कर्मचारियों के ज्ञान की बात करें कौशल और व्यवहार में सुधार करना ज़रूरी है विशेष रूप से किसी विशिष्ट कार्य या कार्य के लिए उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं इम्प्लॉयी ओरिएंटेशन की इम्प्लॉय ओरिएंटेशन क्या है कर्मचारी उन्मुखीकरण जब कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्मचारी किसी संस्थान को ज्वाइन करता है जब वो संस्थान में आता है उसका सिलेक्शन होता है तो उसे संस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता क्योंकि वो कोई जो है वो पहले से नहीं वहाँ कार्य कर रहा तो एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन उसको ट्रेनिंग देना उसको बताना कि हमारी संस्थान कैसी है वो किस प्रकार से कार्य करती है किस तरीके के यहाँ पे कार्य हैं उन्हें कैसे पूरा करना है संस्थान के क्या उनसे उद्दे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या एम्प्लॉज से एक्सपेक्ट करते हैं तो एक एम्प्लॉयी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने संस्थान के बारे में एक जानकारी देना वहाँ पे उस जगह पे एडजस्ट कराने को हम एम्प्लॉयी ओरिएंटेशन का नाम देते हैं ट्रेनिंग में हम कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण भी करते हैं उन्हें स्किल्स और टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने कार्य को करने में अपनी जॉब को करने में अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकें उनको कोचिंग देते हैं और उनको काउंसलिंग भी करते हैं कोचिंग में हम उनको सिखाते हैं कि कैसे उन्हें कार्य करना है और काउंसलिंग में हम उनकी उनको मानसिक तौर पर तैयार करते हैं कि उन्हें कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है दूसरा इसमें जो कार्य है वो है एजुकेशन का शिक्षा प्रशिक्षण के बाद है शिक्षा शिक्षा में हम उनको तैयार कर रहे हैं फ्यूचर आइडेंटिफाई जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ताकि उनकी कैपेबिलिटीज जो हैं उनमें बढ़ोतरी हो सके अपने प्रेजेंट के कार्य करने के लिए और फ्यूचर के जॉब्स को फुलफ़िल करने के लिए इसमें हम उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सुपरवाइजर डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को एच आर फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हम कह रहे हैं इसमें डेवलपमेंट भी किया जाता है जैसे हमने एजुकेशन प्रोवाइड करी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की डेवलपमेंट का मतलब हो गया विकास मानव संसाधन विकास के बारे में ही पूरी बात हो रही है तो विकास किस चीज़ का हो रहा है स्किल्स एंड एटीट्यूड का कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना जो सीधे तौर पर व्यक्तिगत विकास और विकास से जुड़ी नौकरियों से संबंधित नहीं है राइट तो इसमें आपके पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है कोई रिलेटेड uh, किसी जॉब से बात है ट्रेनिंग क्या होती है जॉब स्पेसिफिक होती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं जो नौकरी आप कर रहे हैं उस कार्य को बेहतर करने के लिए आपको ट्रेनिंग किया जाता है ताकि उस जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स को आ, सीख सकें बल्कि विकास में जब हम बात करते हैं तो विकास केवल एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नहीं है कि आपको इस नौकरी को इस कार्य को करने के लिए क्या क्या क्षमताओं की आवश्यकता है बल्कि आपको जनरल लेवल पे तैयार किया जाता है ताकि कोई भी फ्यूचर में जो जॉब आप करें उसको आप बेहतर तरीके से पूरा कर सकें डेवलपमेंट में हम करते क्या है जिस तरीके से प्रोग्राम उनको प्रोवाइड करते हैं जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको दिया तनाव प्रबंधन सामान्य स्वास्थ्य के लिए योगा सिखाना नेतृत्व विकास जैसे कार्यक्रम उनको सिखाए जाते हैं जिसमें वो लीडरशिप प्रोग्राम्स लर्न करें दूसरा इसमें नेटवर्किंग उनको सिखाई जाती है सेमिनार और सम्मेलन वो अटेंड करें मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन लें इनसे क्या है कि उनका आपस में एक नेटवर्क बनेगा उनकी ग्रोथ होगी उनका डेवलपमेंट होगा जिसके तहत वो चीज़ों को आगे पूरा कर पाएंगे आगे हम इसमें बात करते हैं ना केवल इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट की बात होती है जैसा हमने कहा बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एज वेल एज करियर डेवलपमेंट ठीक है किसी भी संस्थान का विकास होना और करियर का विकास होना तो जब हम संस्थान के विकास की बात करते हैं तो व्यवहार विज्ञान अवधारणों के अनुप्रयोग के माध्यम से संगठन की प्रभावशीलता और सदस्य की भलाई में सुधार की प्रक्रिया है वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेल well और उनके बिहेवियर जो है वो बेहतर हो सके तो इसमें माइक्रो और मैक्रो लेवल जैसे कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास हमारे को निजी स्तर पर माइक्रो और दोनों मैक्रो लेवल पे हमें बेहतर बनाता है दूसरा इसमें एच आर डी एज अ चेंज एजेंट जो मानव संसाधन विकास है वो कैसे एक परिवर्तन एजेंट के रूप में, में कार्य करता है हमारे चीज़ों में वो बदलाव लेकर आता है और करियर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति परिवर्तनों की श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करने करते हैं जब तक कि वे आत्मिक उपलब्धि को अपने व्यक्ति स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते जब तक वो अपने मैक्सिमम लेवल को अटेन नहीं कर लेते जब तक वो अपने पूरी पोटेंशियल को गेन नहीं कर लेते तब तक उनका करियर डेवलपमेंट चलता रहता है जिसमें करियर प्लानिंग मैनेजमेंट और डेवलपमेंट जैसी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जैसा मैंने कहा कि एच को हम दो स्तरों पर जानने की कोशिश करेंगे सूक्ष्म स्तर जिसको हम माइक्रो लेवल कहते हैं और अति सूक्ष्म स्तर जिसको हम मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल मतलब छोटे स्तर पे हम इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं और जब हम पूरे ग्रुप को जब हम डिफाइन uh, करते हैं एज अ होल जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो लेवल पर डिस्कस करेंगे तो पर्पज़ क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पर्पज़ क्या है माइक्रो लेवल, लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पर एच आर डी एक्ट इज़ एन्हांसिंग इंडिविजुअल नॉलेज स्किल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करियर पोटेंशियल मानव सूक्ष्म रूप में जो मानव संसाधन विकास है वो रोजगार की धारणा व्यक्ति स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नेशन ऑफ एम्प्लायबिलिटी इज़ क्रिटिकल एट इंडिविजुअल लेवल राइट और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जब हम फोकस करते हैं माइक्रो लेवल में दो आ गए जिसमें कि हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं संगठन मूल्य प्राप्त करने और बाहरी वातावरण के साथ संरेशन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल का लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉई है उसकी नॉलेज और स्किल्स को हम यूज़ करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एनलाइटमेंट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके जबकि अगर हम मैक्रो लेवल के बारे में बात करें तो मैक्रो लेवल क्योंकि हम इसमें इसको बड़े स्तर पर जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं समुदाय सामाजिक स्तर पर एच में पेशे जो उसमें एम्प्लॉयबिलिटीज़ हो सकती हैं उसमें नौकरियां हो सकती हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं कम्युनिटी ग्रुप्स हैं वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशनस हैं कैसे इसमें आपकी योगदान करेंगे कैसे इसमें आपकी मदद करेंगे दूसरा इसमें जैसे कि हमारी जो बॉडीज़ हैं जैसे एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स लेवल अमंग्स इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड इकनॉमिक गेन राइट उसको हम समझने की कोशिश करते हैं भारी स्तर पे एचआरडी को हम एज आ प्रोफेशन कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरीके से उसको आगे अपना करियर बना सकें आइए बात करते हैं भारतीय संगठनों में एचआरडी का संदर्भ एच जब हम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स में बात करते हैं तो कैसे हमारे संस्थानों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या विकास की आवश्यकता है अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए चरणबद्ध अधिक पुनर्गठन फेस्ड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्शन टू फेस ग्रेटर कंपटीशन जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया जो है वो हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है और जिस स्थर पे बदलाव आ रहे हैं जिस स्थर पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं जब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स विकास के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सी से एल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना हम सभी जानते हैं हम सी से एल पी इकोनॉमी में आ गए ठीक है जहाँ पर हमारी क्लोज इकोनॉमी थी अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की प्राइवेटाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन की तो जब ऐसे बदलाव पूरे विश्व में आते हैं जब हमारे देश में आते हैं तो हम स्तर चाहते हैं कि हमारा जो मानव संसाधन है उसमें विकास हो अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड डाइवर्सिफाई इंटीग्रेट एंड ग्लोबलाइज हमारा देश चाहता है कि हम विस्तार से विविधता एकीकरण और वैवीकरण के अवसर हमें प्राप्त हों तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा विकास होना हमारा डेवलपमेंट होना एंड चौथा हम इसमें कहते हैं प्रदर्शन अधिकता आधारित प्रतिस्पर्धा संगठन को बदलने और बनाने का दबाव ये भी बहुत हद तक प्रेशर है कि कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें कैसे हम कॉम्पिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन लाएं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमें तभी मिलेगा जब हम कुछ नया करेंगे जब हम कुछ अलग करेंगे तो वो अलग और नया करने का जो एक प्रेशर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव लाए जाए इसी में हम आगे बात करते हैं आज की जो चिंताएं हैं वो क्वालिटी की है ना केवल हमें अपने आप को सुधारना है बल्कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर्ड है आज के ज़माने में सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसके प्रति लोगों का जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा है तो हमें अपनी क्वालिटी को अपनी एफिशिएंसी को अपनी उत्पादकता और विकास के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं जो ऐसे विषयों पे जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे फिटेस्ट ऑफ दी सर्वाइवल इज दी ओनली सॉल्यूशन तो वही वही काम कर पाएगा वही नौकरी कर पाएगा जो इस कार्य को जानता है अगर आप अपने आप का विकास नहीं करेंगे अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप उस श्रेणी में उस 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 भीड़ में पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आप उस काम को नहीं कर पाएंगे बहुत ज़रूरी है डेवलप करना ऐसी वर्कफोर्स जो कैपेबल हो टेकअप कर सके चैलेंजेस को जो नए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जो हमारे देश में चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या जो भी बदलाव आ रहे हैं उसमें हमें अपने आप को तैयार करने के लिए अपने आप को ढालने के लिए बहुत ज़रूरी है मानव संसाधन विकास के प्रति ध्यान देना पेशेवर एच प्रार्थनाओं को अपनाना जो प्रोफेशंस आए हैं एच आर के बाद जो प्रोफेशनल के रूप में उभरे हैं या जहाँ नौकरियों की हमें संभावनाएँ नज़र आती हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए एच को अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है एच को इसलिए भी हम देखते हैं क्योंकि अडोप्टेसन ऑफ इनोवेशन प्रैक्टिस हो रही हैं यूननाइज इन्वायरमेंट है ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम यूनियंस राइट तो जो हमारे यूनियंस हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये कहना चाहिए कि उनका साथ नहीं मिल पाता इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नई नई प्रैक्टिसेस को इनोवेटिवनेस लेकर आएँ ताकि हम एक इन्वायरमेंट को डेवलप कर सकें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टिंग एच आर टी प्रैक्टिसज ड्यू टू वेरियस कॉस्ट रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपना ही रही हैं क्योंकि जब तक वो अपनाएंगी नहीं इस बदलाव को लाएंगी नहीं बहुत बहुत ज़रूरी है कि अपने मानव संसाधन पे अपने अपने कर्मचारियों पे हम जो कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं जो खर्चा कर रहे हैं उसको जैसा हमने कहा कि हम उसको कॉस्ट नहीं मानते उसको इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं ताकि लोग जो हमें हम खर्चा कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा हो सके ऑर्गेनाइजेशन विद फॉरेन पार्टिसिपेशन वेंट टू एक्सटेंसिवली एंड अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एच आर डी प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिस तो जो बाहर की जो देश हैं वो इन चीज़ों को बहुत तेजी से अपना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंडियन कंटेक्स में अगर बात करें अपने भारतीय स्तर पर बात करें तो हमें भी अपने संस्थानों में अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इन बदलाव को लाना पड़ेगा तभी हम उनके साथ चल पाएंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे मानव संसाधन विकास रणनीतियाँ जैसे प्रशिक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन करियर प्रबंधन सुधार की कुंजी ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे को सुधार की ओर ले जाते हैं जैसे एच आर हैं उनकी ट्रेनिंग्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं करियर मैनेजमेंट हैं ये सारे हमारे कीज़ हैं इम्प्रूवमेंट के लिए और ये इम्प्रूवमेंट लाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तो हम अपने आप को पीछे आ, महसूस करेंगे और उस भीड़ में आगे नहीं जा पाएंगे लैक ऑफ पर्सनली मैनेज एच आर डी डिपार्टमेंट हमारे भारतीय स्तर पर हम बात करें तो एच आर डी डिपार्टमेंट जो हैं ह्यूमन रिसोर्स विकास के जो प्रबंधन हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत अच्छे से या बहुत आ, तरीके से उसको नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं और उस कमी को पूरा कर पा करने के लिए हमें विकास की बहुत हद तक आवश्यकता है नाउ लुकिंग एट दी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिस्टोरेशन टू एच आर डी मानव संसाधन विकास का सहारा ले रहा भारतीय संगठन कुछ उदाहरण कुछ कंपनियां हैं जो मानव संसाधन विकास का सहारा लेके अपने आप को आगे ले जा रही हैं जैसे कि हम बात करते हैं आई टी सी कंपनी की इंडियन टबैको कंपनी जो है अपने व्यवसाय को सिगरेट निर्माण से लेकर अन्य उत्पादों में विविधता लाने और नई परियोजनाओं के लिए प्रबंधकों को विकसित करने के लिए एचआरडी को लाया एच आर डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स विकास को जो कंपनियां लेकर आ रही हैं वो प्रोडक्शन से लेके, जैसे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से ले कैसे उसको मार्केट तक पहुंचाना है कैसे कस्टमर को सेटिसफाई करना है एम्प्लॉइज़ की क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स विकास को लाया दूसरी कंपनी है एल एन टी एल एन टी ने संगठनात्मक विकास के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम लागू किया और इस कंपनी में लागू करने से उन्हें बहुत बदलाव नज़र आया जब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करी तो ना केवल उनके एम्प्लॉयज़ ने स्किल्स नॉलेज को गेन किया बल्कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएँ भी निभाई इसी के चलते एस जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने पुनर्गठन और तेजी से विकास के बाद प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर क्रेडिट किया है उसने भी नी ऑर्गेनाइजेशन और रैपिड ग्रोथ के बारे में ध्यान रखते हुए इसको आ, इसको इम्प्लीमेंट किया ताकि उनके यहाँ पर भी स्किल्स और नॉलेज लोगों की बढ़ाई जा सकें एल लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया एच आर डी इन एल आई सी फॉलोअर्ड ई री ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेन ग्रोथ उन्होंने भी ये लाया और इसी के साथ साथ बहुत सारी कम्पनियाँ इंडिया की बहुत सारी कंपनियाज़ ऐसी हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इस तरह से अब देखती हैं और जानती हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में री स्ट्रक्चरिंग और रीओरिएंटेशन करने की आवश्यकता है जब तक हम अपने कर्मचारियों को विकास की ओर नहीं ले जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि किसी ज़माने में कर्मचारियों पे किया गया खर्चा को खर्चा ही माना जाता था उसको कॉस्ट ही माना जाता था उसको इस तरीके से देखा जाता था कि आज हम इनके ऊपर खर्चा करेंगे पता नहीं ये हमारे साथ कितने लंबे समय तक जुड़े रहे और हम इनको सिखा दें और ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके उनको फ़ायदा देंगे लेकिन ये सोच आज के ज़माने में बदल चुकी है सब संस्थाएँ या संगठन ये जान चुके हैं कि मानव संसाधन विकास कितना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अगर हम इसी की चिंता करते रहे कि आगे जाके वो कंपटीशन या किसी कॉम्पिटिटिव कंपनी को वो फ़ायदा देंगे तो हम आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे हमें आज के अपने एम्प्लॉयज़ को अपने कर्मचारियों का विकास करना बहुत ज़रूरी है उन्हें ट्रेनिंग देना उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना उनको नॉलेज प्रोवाइड करना इतना महत्वपूर्ण है जितना कि एक संस्थान को चलाना संस्थान आगे जा ही नहीं सकती उसके कर्मचारी अगर विकसित ना हो अपने आप को नॉलेज स्किल्स और इस लायक ना बनाएं कि वो प्रेजेंट जॉब को और फ्यूचर जॉब को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें इसी में आगे हम बात करते हैं मानव संसाधन विकास के उभरते मुद्दे जो भारतीय प्रदर्शनी के समक्ष रूप में हम बात करेंगे जैसे हमने बात करी चेंजिंग एनवायरनमेंट की जो एनवायरनमेंट है वो हर दिन प्रतिदिन बदल रहा है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है नए नए आइडियाज़ वाइब्रेंट आइडियाज़ लोग लेकर आ रहे हैं तो ये जो पूरा सिनेरियो बदल रहा है उसके उसके तहत हमें बहुत ज़रूरत है मानव संसाधन विकास की टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड इम्पैक्ट जो हमारे पर पड़ रहे हैं राइट उसके लिए री की डिप्लॉयड करना है डिप्लॉयमेंट ऑफ दी इंप्लॉयीज़ अगर हम अपने आप को इस तरीके से तैयार नहीं करेंगे जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं हम नई नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे लो कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट बहुत लो होता है लोग नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर तो करते हैं लाइन मैनेजर्स जो हैं वो बहुत सीरियसली काम नहीं करते इसके तहत हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट दोनों को लाना बहुत ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन है बढ़ता ज़माना है ठीक है जिसमें हम पूरे इकोनमी को ऐसा होल स्टडी करते हैं जिसमें हमें डाइवर्सिटी को अनसर्टेनिटी को इक्वालिटी को मैनेज करना है तो हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाना ही होगा एम्प्लॉय ओरिएंटेशन के लिए एडिक्वेट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉज को लाना ज़रूरी है और आउटसोर्सिंग के लिए आज के टाइम पर जो थ्रेट है जो डर है वो ये है कि इंटरनल एच टैलेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो आपके अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा आउटसोर्स कर लिया जाएगा तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ही उसके लिए अपने आप को तैयार करें और उसको पूरा कर पाएँ एच के कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड एच आर सामरिक प्रबंधन और मानव संसाधन विकास का क्या रोल है मानव संसाधन विकास में पर्यवेक्ष की क्या भूमिका है और एच की संगणनात्मक रचनाएं क्या हैं तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और एच की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तो इंटीग्रेट करते हैं जब एम को स्ट्रैटेजिक नीड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें कि हम संगठन की रणनीति ज़रूरतों के साथ एकाकृत एकाकृत एकीकृता एक करना ठीक है जिसमें हमने एक्सटर्नल अलाइनमेंट की बात करी है एक संगठन और बाहरी वातावरण की रणनीति योजनाओं के बीच बाहरी संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे हम जोड़ रहे हैं उस पर हमें बात करनी है अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी विद द मिशन गोल्स बिलीफ एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन का संस्थान का जो गोल है जो मिशन है जो उसके वैल्यू सिस्टम है उसके लक्ष्य हैं उसके विकास और मूल्यों के साथ हमें जोड़ना है नीड ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वेरियस सब सिस्टम ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन सच एज मैनेजमेंट प्रैक्टिसज स्ट्रक्चर एच आर सिस्टम एंड अदर वर्क प्रैक्टिसेज तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन से मानव कर्मचारी से संबंधित जो भी कार्य हैं उसके लिए एक स्ट्रैटेजी कली प्लान किया जाता है प्रोसेस डेवलप किया जाता है जिसके तहत हम कर्मचारियों के विकास की बात कर रहे हैं इसमें दूसरा है सुपरवाइजर का क्या रोल है मानव संसाधन विकास में परिवेक्ष की क्या भूमिका है तो उनकी भूमिका है जिसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं एच प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर भाई कोई भी सुपरवाइजर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और डेवलपमेंट को देख रहा है उसकी प्रक्रिया ये है कि वो उन कार्यक्रमों को लागू करे जिनसे कर्मचारियों का विकास हो उनके उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सके उनको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें लगातार उनको सुपरवाइज़ करें उनको बताएं कि कैसे इस कार्य को और बेहतर किया जा सकता है और इसको कैसे पेश किया जा सकता है उनकी काउंसलिंग करें उनकी कोचिंग करें उनको मॉनिटरिंग करें उनके पास जाएं उनसे पूछें कि उनको क्या चाहिए ये किस तरीके से वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं उनकी कोई समस्याएं हैं है। चाहे वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो उनके बारे में उनको काउंसलिंग करें उनके स्ट्रेस को उनके ग्रीव्यांसिस को हैंडल करें ताकि वो उन चीज़ों से बाहर निकल के अपने विकास पर और अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें करियर और एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करें कि कैसे उनके करियर की उनके डेवलपमेंट को आगे लेके जाया जा सकता है अ फ्रंट लाइन प्रैक्टिशनर इन एच एच जो सुपरवाइजर है वो क्या करता है सम, फ्रंट में आके एक पहला इंसान ऐसा बनता है जिसको फ्रंट लाइन प्रतिभा हैं जो आगे जाके लोगों को ये समझा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से उस कार्य को पूरा किया जा सकता है तीसरा इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एच डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए कंपनी के आकार उनके उद्योग और परिप्रक्ता पर निर्भर करता है कि किस तरीके का साइज है कंपनी का कंपनी कितनी मेच्योर है किस तरह की, की इंडस्ट्री है उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में किया जा सकता है क्योंकि सभी संस्थाएं अलग हैं सबका कार्य अलग है सबके का उद्देश्य अलग हैं उद्देश है। तो अलग अलग संस्थान अलग अलग उद्देश्य अलग अलग कार्य कर रहे संस्थानों में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चरिंग की जाती है नो सिंगल स्ट्रक्चर यूज कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है कि जिसको हर जगह पर आप लागू कर सके क्योंकि हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन की और मानव संसाधन जो है वो एक दूसरे से अलग है कोई भी एक दूसरे से सेम या सिमिलर नहीं है मानव काफी हद तक ये इस बात पर निर्भर करता है कि मानव संसाधन विकास प्रबंधी कितनी अच्छी तरह कंपनी का एक संस्थान हिस्सा बन जाता है और एक राजस्व उपयोग करता है ये कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर की बात करी है जो हम जनरली फॉलो करते हैं बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि संगठन कैसा है उसका कार्य कैसा है वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जनरली डायरेक्टर होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जिसके तहत दो लोग इसको मदद करते हैं एच रिसर्च एंड एवेल्युशन स्पेशलिस्ट उसके साथ साथ प्रोग्राम डेवलप डेवलपर होता है और इसके अंडर जो लोग काम करते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं स्किल्स ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि कैसे स्किल्स और नॉलेज को गेन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं और साथ ही करियर डेवलपमेंट काउंसलर भी होते हैं और इन सारी चीज़ों को टेकअप करने के लिए स्किल ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उनको सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और साथ के साथ सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है तो अमूमन तौर पे हम ये एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं बता कह सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक एक स्ट्रक्चर है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के विकास के लिए अब हम रोल और कॉम्पिटेंस की इसकी बात करें एच प्रोफेशनल की तो एच प्रोफेशनल के सभी मानव संसाधन विकास पेशेवर द्वारा आवश्यक मल मूलभूत दृष्टाओं के तीन श्रेण हैं जिसमें कि हम पर्सनल इंटरपर्सनल और बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कैसे हम विशेषताओं ता, और विशेष क्षेत्रों को विकसित करने के लिए उपयोग करेंगे और अंत में मानव संसाधन विकास पेशेवरों के लिए चार प्रमुख भूमिकाएं हम देखेंगे जो कि हमारे एच प्रोफेशनल के रूप में सामने आएंगी जैसे लर्निंग स्ट्रैटेजिस, बिजनेस पार्टनर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ये कॉम्पिटेंसी मॉडल है जो वर्नर और डी सामने सिमोने ने दिया था 2007 में जो ये बताते हैं कि कैसे फाउंडेशन और फोकस से सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है जिसमें लर्निंग स्ट्रैटेजिस्ट है बिजनेस पार्टनर है प्रोजेक्ट मैनेजर्स है और प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट है और ये बात करते हैं वर्क फोर्स लर्निंग एंड प्रोफेशनल लोन रोल्स की जिसमें हमारी डिज़ाइनिंग लर्निंग है और हम इम्प्रूव करें इम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सही तरह के से ट्रेनिंग डिलीवर करें उनकी ट्रेनिंग को मेजर और इवेल्युएट करें फैसिलिटेट करें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लर्निंग फंक्शंस को उनको कोचिंग प्रोवाइड करें ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज प्रोवाइड करें और करियर प्लानिंग और टैलेंट मैनेजमेंट दें तो इनका कहना यह है कि इंटरपर्सनल बिजनेस लेवल पे और प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे किस तरीके से हम उसको इंट्रीग्रेट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रोथ हो जो डेवलपमेंट हो वो इंडिविजुअल ग्रुप एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो बात करते हैं एच के जॉब्स और रोल्स की एचआरडी के जो है वो बहुत सारे रोल्स हैं जो हम निभा सकते हैं जो एज अ uh, नौकरियाँ जिसे हम कहते हैं उसके रू, 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 रूप में हम देखते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव मैनेजर है एच आर डी स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र के रूप में आप कार्य कर सकते हैं एच आर सिस्टम डिज़ाइनर के रूप में आप कार्य कर सकते हैं आप कार्य कर सकते हैं चेंज एजेंट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में और लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट के रूप में जो कि वर्नर और डी सिमोने ने 2007 में कहा है सबसे पहले हम बात करेंगे एच आर डी प्रोफेशनल एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो है उसमें हम इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकते हैं व्यक्तिगत विकास और करियर काउंसलिंग प्रदर्शन सलाहकार बन सकते हैं शोधकर्ता रिसर्चर हम बन सकते हैं संगठनात्मक लक्ष्यों और रणनीतियों के साथ एच को एकीकृत करना ये भी इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और, गोल और स्ट्रैटेजीज़ को लाभ बढ़ाने वाले के रूप में एच को बढ़ावा देता है प्रमोट करता है कि एच आर डी एज अ प्रॉफिट एनहांसर कैसे हो सकता है ट्रेलर्स एच को कॉपरेट नीड और बजट के बारे में बताना और इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स करना तो एज एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर हम ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोल प्ले कर सकते हैं टू बी एन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर एचआरडी प्रोफेशनल एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र अगर हम स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि संगठनात्मक लक्ष्यों और रणनीतियों के साथ एच को एक करना लाभ बढ़ाने वाले के रूप में एच को बढ़ावा देता है कॉरपोरेट जरूरतों और बजट के लिए मानव संसाधन विकास को तैयार करता है और साथ ही साथ प्रदर्शन में वृद्धि को संस्थागत करता है जिसको कि हम इंस्टीट्यूशनाइज परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट भी कहते हैं एच आर डी एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र जब हम एच आर डी को एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र के रूप में देखें तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कॉरपोरेट रणनीति विचारकों के साथ परामर्श कर सकते हैं लक्ष्य और रणनीतियों को स्पष्ट करने में मदद करता है एच आर प्लान्स को डेवलप करने में हेल्प करता है और ये मदद करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में तो एक स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किस तरीके से बदलाव लाता है कंसल्टेंट के रूप में एक एक आर्टिकुलेट uh, गोल्स और स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करके एच आर प्लान्स को डेवलप करके और स्ट्रेटेजी को डेवलप करके जिसमें हम एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे एच आर डी प्रोफेशनल एज एन एच आर सिस्टम डिज़ाइनर और डेवलपर अगर आप आ, मानव संसाधन प्रणाली डिज़ाइनर और डेवलपर के रूप में मानव संसाधन विकास को पेशे के रूप में लेते हैं तो इसमें आप एच आर असिस्ट असिट कर सकते हैं एच आर मैनेजर को ताकि वो पूरा एच आर सिस्टम डिज़ाइन और डेवलप कर सके एच आर प्रोग्राम्स किस तरीके से हम लोगों को सिखाएंगे बताएंगे उनको वो डिज़ाइन कर सके इंटरवेंशनस को डेवलप कर सके और एच एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सके एच आर डी प्रोफेशनल एज दी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एजेंट एंड डिज़ाइन कंसल्टेंट तो बहुत ज़रूरी है जब हम डिज़ाइन कंसल्टेंट और चेंज एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हम डेवलप करें एफिशिएंट वर्क फोर्स टीम को क्योंकि जो कार्य कर रही हमारी जो टीम है विकसित करें उसका उसका डेवलपमेंट करें इम्प्रूव करें क्वालिटी मैनेजमेंट को जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को उसमें कैसे हम Uh, महत्वपूर्ण रोल और भूमिका ये है कि कैसे हम उसकी क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं चेंज रिपोर्ट को तो ये सारी जो भूमिकाएं हैं जो रोल हम प्ले कर रहे हैं एचआरडी प्रोफेशनल एज एन चेंज एजेंट डिज़ाइन कंसल्टेंट या हम uh, जो भी भूमिकाएं हम निभा रहे हैं उसमें हमें देखना है कि हम उनको कैसे पूरा करेंगे एच आर डी एज अ लर्निंग प्रोफेशन लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड ऑफ लर्नर्स की उनकी ज़रूरतें क्या हैं उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना है डेवलप एंड डिज़ाइन करना है लर्निंग प्रोग्राम्स को सीखने के कार्यक्रम को विकसित और डिज़ाइन करता है जो लर्निंग प्रोग्राम स्पेशलिस्ट है वो प्रिपेयर करता है मटेरियल्स को लर्निंग एड्स को जब हम ट्रेनिंग लेते हैं जब हम उनको सिखाते हैं तो हम उनको क्या प्रोवाइड करेंगे क्या लर्निंग मटेरियल होगा किन टूल्स का किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ना केवल लर्नर पे डिपेंड करता है बल्कि उनको कौन सिखा रहा है किस तरीके से सिखाया जा रहा है क्या मटीरियल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है क्या चीज़ें उनको दी जा रही हैं जिससे वो बेहतर तरीके से उसको सीख सकें डेवलप करेंगे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स को लेसन प्लान्स को स्ट्रैटेजीज़ को ताकि लोग उसको समझने में आ, आसानी रहे और जब उनको समझ में आएगा तो उसको बेहतर तरीके से वो पूरा भी कर पाएंगे आज का विषय हम यहीं ख़त्म करते हैं धन्यवाद आप सभी का थैंक यू Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.